सबसे बड़ी खबर आ रही है वो सबसे पहले आपको दे दें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग हिंसा के पीछे विदेशी साजिश की बात कही है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने हिंसा से निपटने में केंद्र सरकार पर भी मदद नहीं करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर ममता ने बसीरहाट हिंसा की न्यायिक जांच कराने का ऐलान किया है। तो विदेशी साजिश की बात कही है ममता बनर्जी ने कि बसीरहाट में जो हिंसा हो रही है उसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है, विदेशी साजिश की बात वो कर रही हैं। और साथ ही साथ न्यायिक जांच की भी उन्होंने बात कही है कि न्यायिक जांच होगी बसीरहाट हिंसा की। और सिर्फ यही नहीं, सरकार पर भी आरोप लगाया है और ये कहा है कि बार बार सीआरपीएफ की टुकड़ी से मदद मांगने की या टुकड़ी मांगने पर भी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। ये आरोप ममता बनर्जी लगाते हुए अभी नजर आ रही है। तो तीन बड़ी चीजें हैं। पहली तो ये कि उनका ये मानना है कि विदेशी ताकतों का इसमें हाथ है। अब वो विदेशी ताकत कौन है इसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। दूसरी बड़ी बात यह है कि सरकार को घेरा, केंद्र सरकार पर आरोप कि उन्होंने मदद नहीं की, सरकार ने मदद नहीं पहुंचाई। और तीसरी बड़ी बात ये कि जो कुछ भी हुआ है हिंसा को लेकर उस पर न्यायिक जांच की मांग कर रही है। बात बहुत दफे हुआ, कितना दफे होगा? मैंने तो सीआरपीएफ के लिए 14 दफे खुद स्वराष्ट्र मंत्री के साथ बात किया, कितना दफे करेंगे आप बताओ? हम प्रधानमंत्री का कितना दफे मिला? बंगाल का जो हमारा 40,000 करोड़ रुपया छीन के ले जाता है, कितना दफे मिला? ये बात मत कहो कि वी डिडंट कोऑपरेट, वी कोऑपरेट, वो तो है। इसी के लिए तो हम लोग जुडिशियल इंक्वायरी करने की जा रहा है। देखो, हमारा कोई पार्टी का साथ हमारा आइडियोलॉजिकल लड़ाई हो सकता है, लेकिन आई कैनॉट किल देयर पीपल। हमारा पॉलिटिकल कोई पार्टी का साथ हमारा जो आइडियोलॉजी है उसके साथ फर्क हो सकता है, लेकिन हम क्या हो गवर्नमेंट को फेंकने के लिए हमारा एजेंसी को देखे वैसा काम करेगा? कभी हम कर सकते हैं? गवर्नमेंट का लिमिटेशन होता है।